बहुत ही अलग है एक दूसरे से, और सभी थोड़े से जिंदगी झंडवा फिर भी झमंडवा। अगर आपको हंसाने पे आ गए ना तो आप लेट लेट के हंसते रहेंगे। मत्स्य कांड वेब सीरीज की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस मौके पर सांसद रवि किशन और रवि दुबे समेत कई कलाकार मौजूद रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या इस सीरीज में रहा है। सीरीज फिलहाल 11 एपिसोड में तैयार की गई। इस 11 एपिसोड में क्या कुछ खास था, आप खुद कलाकारों से मुंह से सुनिए। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी, लखनऊ। तरह देखा गया है कि एक एंटरटेनमेंट में, गायन में, और मैं हमारा, चूंकि मैं गोरखपुर का सांसद हूं तो मुझे हमेशा फैंस मिलते रहे जो 30 साल से इस देश को हम एंटरटेन करते रहे, वो हमेशा मुझे सवाल करते थे कि भैया ठीक बा सांसद बड़ा गोरखपुर से बढ़िया राजनीति करत रहा ठीक है, लेकिन कब आएगा सिनेमा में, कब देखा अगला काम, कब आए। तो ये सवाल बार बार हमको होता था, जहाज में मिल गए, जहां मिल गए, जो होटल में मिल गया, तो जहाँ भी क्षेत्र में मैं, तो हमेशा अच्छा भैया पर्दा पे कब आई, बस एक बार पर्दा पे, तो मैं भी सोच रहा था किस रूप में आऊँ, कैसे आऊँ, कैसे दोबारा एंटरटेन करूँ, वो और कहानी का इंतजार कर रहे थे। रवि दुबे से हम प्यार बहुत करते हैं, आप रवि दुबे, और ये एक बता दें, हम तीनों गोरखपुर से हैं, जोया के पिता गोरखपुर से हैं, रवि दुबे का भी गोरखपुर देवरिया से कनेक्शन है, मैं सांसद हूँ और हमारे पूर्वज वहाँ मानपुर से थे, तो एक कमाल था, एक कॉम्बिनेशन हम लोगों का मिल गया, कहानी बढ़िया मिल गई, एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ अलग करना चाह रहा था वो एक अच्छा मिल गया, रवि दुबे कुछ अलग करना चाह रहे थे, जोया के लिए अपना एक उनको भी लेंथी और एंटरटेन करने के लिए, तो इंटेंसिटी के साथ शुद्ध रूप से इसको एंटरटेनमेंट देखा गया है। जिंदगी झंडवा फिर भी मंडवा। चलिए हाँ, आज प्रोफेसर कुछ लग रहे हैं। ये सांसद हैं, बहुत बहुत मतलब ही इज अ टेरिफिक पॉलिटिशियन, माइंड ब्लोइंग एक्टर, बेइंतहा अच्छे इंसान, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अगर आपको हंसाने पे आ गए ना तो आप लेट लेट के हंसते रहेंगे। बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, बिकॉज़ शी इज सच अ पावरफुल वुमन, शी इज अ वुमन ऑफ टुडे, एंड उसे पता है उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है, और उसके तरीके भले पूरे अलग हों पर आप सीरीज में देखेंगे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाती है, अभी अपने गोल तक पहुंच पाती है, बट शी इज वेरी डिटरमिंड। वो एक जादू करती है और अपना जादू दिखाकर लोगों को कॉन करती है, स्कैम करती है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एंड इट्स अ ट्रांजिशन एंड इट्स अ जर्नी ऑफ ओनरशिप फ्रॉम बीइंग एज मीरा जो मैजिशियन है, और वहाँ से वो किस तरह अपनी ट्रांजिशन एक जर्नी पे निकलती है टू फाइंड व्हाट शी रियली वांट्स इन लाइफ, अपने गोल्स या लव या यू नो सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से, और सभी थोड़े से फिल्म में क्या कुछ खास आप पर अपना अनुभव रहा है इसमें? बहुत शानदार, टीम बहुत अच्छी रही, और मत्स्य के डायरेक्टर बहुत शानदार है, रवि दुबे और जोया के साथ मज़ा आया, बहुत कमाल का सबने काम किया है। मुझे लगता है कि मैं अपने काम से बहुत समय के बाद खुद स्वयं खुश हुआ, मैं जल्दी खुश नहीं होता अपने काम से, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ अपने काम को लेकर, और मैं खुश हूं कि देश की जनता के सामने मैं 2-2.5 साल का गैप लेके फिर से एक लंबा एंटरटेनमेंट देने आया हूं, तो मुझे सुबह से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, और ये शो देश की जनता को बहुत पसंद आ रहा है, और जो लोग नहीं देखें आपके माध्यम से वो लोग ज़रूर आज ही देखें। सर, सांसद की बात, ये पहली आपकी वेब सीरीज़ आई है मैक्स प्ले, अगर मैक्स प्लेयर की बात करें, मैक्स प्लेयर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता चला जा रहा है धीरे धीरे, तो इसको लेकर क्या आप? ये बहुत मैक्स प्लेयर इससे बहुत ऊँचाई पर जाएगा, ये शो बहुत की ड्राइव करते हैं ना, ये वैसा है। मत्स्य कांड फिल्म वेब सीरीज लॉन्च हुई है, क्या खास इसमें आपका रोल रहा है? मत्स्य कांड जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है एमएक्स प्लेयर पर, और जो मेरा किरदार है वो उर्वशी का है, एक जादूगरनी है, जादू ट्रिक्स दिखाती है, मैजिक ट्रिक्स दिखाती है, और इन मैजिक ट्रिक्स के ज़रिए वो लोगों को लूटती है, कॉन करती है, और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है, वो बहुत ही अलग है, इसलिए जब मुझे ये कहानी ऑफर हुई तब मुझे लगा मुझे इसे ज़रूर करना चाहिए क्योंकि कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। अगर बात करें कैरेक्टर, इसमें आपके साथ दो रवि कलाकार हैं और दोनों ही अपने में फेमस हैं, अगर हम किसी एक की अगर बात करें, किसी एक पर्सन में किससे ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा लगा
एज अ पूरे वेब सीरीज तैयार करने में? दोनों बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, नो डाउट अबाउट इट. और डेफिनेटली दोनों ही रवि बहुत फेमस हैं और दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ भी हैं. ये कि एक तो कलाकार बहुत अच्छे हैं और दूसरा कि दोनों ही इंसान बहुत अच्छे हैं. तो दोनों के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया और मैं चूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि एक तरफ यू नो रवि सर हैं, रवि जी, और एक तरफ रवि डी, तो मैं चूज़ नहीं करूँगी. रवि सर जी, आपका कैरेक्टर सबसे अनोखा रहा है जी, कैरेक्टर में क्या कुछ खास था इसमें? जैसा आपने देखा, किरदार एक है लेकिन रूप इसके अनेक हैं. मत्स्य एक है लेकिन उसके रूप ढेर सारे हैं. सो ये सबसे मेरे को एक्साइटिंग बात लगी है कि एक ऐसा आदमी है जो अपने रूप, अपने हाव भाव को, अपनी पर्सनैलिटी को एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट बदल लेता है और बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन से वहाँ से निकल जाता है. तो कितनी रूपों को इसमें आपने फिल्म में अभी ये तकरीबन 11 एपिसोड्स हैं तो 11 लुक्स भी हैं. तो एक लुक में कितना सब लोग मेकअप में कितना टाइम लग जाता टाइम ये देखिए प्रोस्थेटिक हैवी है तो प्रोस्थेटिक्स में 4-4.5 घंटे लग जाते हैं करने में. और उसके बाद फिर 12 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसमें आपको लगा करके रखना पड़ता है, संभाल करके रखना पड़ता है, किरदार बनाए रखना पड़ता है. उसकी अपने एक क्या कहते हैं, अपनी एक टफनेस है उस मोमेंट की, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है ये करने की. तो अभी तक आप काफ़ी सीरियल में रहे हैं, वेब सीरीज में वो भी सांसद रवि किशन के साथ, कैसा अनुभव कैसा रहा? माइंड ब्लोइंग अनुभव रहा है. मैं पर्सनली भी इनको बहुत प्यार करता हूँ, रवि भैया को, मेरे सगे रवि भैया जो हैं मेरे सगे बड़े भाई की तरह हैं. और बहुत हमारा, जैसे मैंने कहा कि बहुत भाव जुड़ा हुआ है हमारा और उनका, तो मुझे पर्सनली भी बहुत मज़ा आया और प्रोफेशनली मुझे सीनियर है मेरे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके.